डॉक्टर थॉमस थॉमस का मुजस्मा जॉर्ज स्ट्रीट एडिनबरा में खड़ा किया गया है। थॉमस चार्मर्स 17 मार्च 1780 को एनस्टर 5 स्कॉटलैंड में पैदा हुए और उनकी वफात 30 मई 1847 को एडिनबरा में हुई। थॉमस चार्मर्स स्कॉटलैंड के वजीर, मजहब के प्रोफेसर, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड और फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के रहनुमा थे। उन्होंने 1835 से 1842 तक रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबरा के नायब सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। न्यूजीलैंड के शहर पोर्ट चार्मर्स का नाम थॉमस चार्मर्स के नाम पर रखा गया है। स्टर्लिंग स्कॉटलैंड में नेशनल वालेस मॉन्यूमेंट के हॉल ऑफ हीरोज में चार्मर्स का मुजस्मा रखा गया है। किर्कलिस्टन स्कॉटलैंड में थॉमस चार्मर्स सेंटर इन्हीं के नाम पर रखा गया है। थॉमस चार्मर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से तालीम हासिल की। चार्मर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज में रियाजी की तालीम के मियार को बेहतर बनाने के लिए एक मसला उठाया। चार्मर्स के रियाजी के लेक्चर्स ने काफ़ी जोश पैदा किया, लेकिन हुकाम के हुक्म से उन्हें बंद कर दिया गया। चार्मर्स ने फिर अपने अकाउंट पर रियाजी की क्लासें ली और उसी दौरान उन्होंने केमिस्ट्री के कोर्स पर भी लेक्चर्स दिए। 1815 में वो ट्रॉन चर्च ग्लासगो के वजीर बन गए और ग्लासगो से एक मुबल्लिग के तौर पर उनकी शोहरत पूरे बरतानिया में फैल गई। 1823 में चार्मर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज में मॉरल फिलासफी की कुर्सी को कबूल किया। ये उनके ग्लासगो में 8 सालों के दौरान 7वीं तालीमी पेशकश थी। 1828 में चार्मर्स का तबादला यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में थियोलॉजी की कुर्सी पर किया गया। 28 मई 1847 को चार्मर्स कौमी तालीम के मौजू पर शिरकत के बाद लंदन के सफ़र से एडिनबरा वापस आए और उसके 2 दिन बाद वो मामूल के मुताबिक आराम के लिए सोए और फिर सुबह जाहिर ना होने पर उन्हें उनके कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।